तिवारी यांना कर्तन मेधा पाटकर मॅडम बीज भाषण करणार होत्या, परंतु त्यांचं आपण एक भाषण ऐकलेलं आहे। आता बजरंग बिहारी तिवारी सर जे समारोप सत्रामध्ये बोलणार होते, त्यांचा विषय आहे सामाजिक न्याय और आंबेडकरवादी आंदोलन। या विषयावर सर आपल्याशी एक दीर्घ संवाद साधतील। सरांचा परिचय मी थोडक्यात आपणासमोर करून देतो। डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी हे सध्या दिल्लीच्या देशबंधू महाविद्यालयामध्ये प्रोफेसर आहेत। जाती और जनतंत्र, दलित साहित्य एक अंतरयात्रा, भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन, बांग्ला दलित साहित्य सम्यक अनुशीलन ही महत्त्वाची ग्रंथ संपदा तिवारी यांच्या नावावर आहे। यथास्थितीशी टकराते हुए या शीर्षकाचे दलित स्त्रीच्या जीवनावर आधारित कथा कविता आणि दलित स्त्री समीक्षा असे तीन खंड त्यांनी संपादित केलेले आहेत। भारतीय साहित्य एक परिचय हा ग्रंथही त्यांनी सहसंपादनाने सिद्ध केलेला आहे। विविध मासिकातून त्यांचे वैचारिक लेखन नियमित प्रकाशित होत असते। नवी दिल्ली इथून प्रकाशित होणाऱ्या कथादेश या मासिकातून ते 2004 पासून सदर लेखन करतायत। 1992 ते 1997 या काळात त्यांनी साक्षरता प्रसार अभियानात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे। सरांना या ठिकाणी निमंत्रित करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना खरंतर आपल्याला द्यायची आहे। आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात ही आनंदाची गोष्ट आहे आणि आपल्याला सायंकाळपर्यंत बसायचं आहे हेही तितकंच खरं आहे। त्यामुळे आम्ही संयोजकाने आपल्याला आपली जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे। या सभागृहाच्या डाव्या बाजूला दुपारच्या सत्रामध्ये आपण सर्वजण जेवण घेणार आहोत। आपण कुणीही बाहेर जाऊ नये, इथेच जेवण करावं ही मी आपल्याला विनंती करेन। मैं बजरंग बिहारी से निवेदन करता हूँ कि आप हमें संबोधित करें। आदरणीय मंच और साथियों, मुझे उम्मीद है कि हिंदी समझने में मुश्किल नहीं होगी। मैं आप सबको जय भीम लाल सलाम बोलता हूँ। बीज भाषण तो हो चुका है मेधा जी का, और असली लड़ाई वही लड़ रही हैं सामाजिक न्याय की, जो फील्ड में है, जो जनता के बीच में है, जो जनता के दुखों का साझेदार है, लड़ाई वही लड़ता है। हम लोग तो गाहे बगाहे उसमें शामिल होते हैं। ये मेरा जो भाषण है बीज भाषण नहीं है, ये बीज भाषण का परिशिष्ट है। इसे किताब के आखिर में परिशिष्ट होता है, जो आपने लिख दिया है उसके बाद में कुछ और रह गया तो ये बीज भाषण का परिशिष्ट है। इसको इस रूप में देखा जाए, मैं मूलतः कार्यकर्ता हूँ, लेखक नहीं हूँ। इसलिए मैं आ गया था जब परिचय दे रहे थे कि किताब का जिक्र करेंगे तो फिर वो मैं आ जाऊँगा दबाव में, तो वो नहीं आना चाहता था। नाम बोल दीजिए, उतना काफ़ी है। जब भी कोई अवधारणा, जब भी कोई मुद्दा संकट में होता है तो उस पर बातचीत शुरू होती है। अभी सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे अधिक संकट में है। एक दूसरी बात कि बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती के बाद में जो ये परिकल्पना की गई, जो पुरोगामी चिंतक है महाराष्ट्र के, मैं उन सबको सलाम करता हूं। इस 125वीं जयंती पर सत्ता की जो बेचैनी थी, इसको सेलिब्रेट करने की, इसको उत्सव में बदल देने की, वह भी ध्यान देने लायक है।
ढेर सारा धन इसके लिए मंजूर किया गया, जारी किया गया, जगह जगह पर उत्सव हुए। मैंने इसको इस रूप में देखा, मैं खुद भी कई उत्सवों में शामिल रहा, कई बार दर्शक के रूप में, कई बार बोलने का भी काम हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जो पारंपरिक भारतीय समाज है उसमें जब किसी की बलि देनी होती है तो उससे पहले उसको टीकते हैं, खूब उसको चंदन लगाते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, वो जो भी चाहे उसको खिलाते हैं। ये जो पैसे खर्च किए गए सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा, वो कुछ ऐसा ही था। ये अनुष्ठान था कि एक जीवंत विचार को आप बदल दीजिए उत्सव में, उसका प्राण खींच लीजिए और उसके बाद में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। संविधान बदलेंगे, संविधान खत्म करेंगे, सामाजिक न्याय का जो हमारा पायनियर ग्रंथ है वो हमारा संविधान है। बीच बीच में ऐसा मतलब टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए आता रहा कि हम बदलने वाले हैं, और उसके बाद में जो एक पूरी पूरा हिंसक दौर चल रहा है हम सब उसके साक्षी हैं। और ये सब 125वीं जयंती के बाद में होता है, इसलिए मैंने उसका कहा ये अनुष्ठान, सत्ता जब अनुष्ठान करती है तो सावधान रहना चाहिए। सामाजिक न्याय पर चिंतन की, आंदोलन की परंपरा हर देश में है, हर समाज में है, लेकिन हम अभी जो बात करते हैं भारत में वो मुख्यतः यूरोप से आई हुई परंपरा है सोशल जस्टिस की। यूरोपीय परंपरा में न्याय का विचार पुराना है। बताते हैं कि न्याय शब्द ये हिब्रू भाषा में इस्तेमाल होता सबसे पहले, वहाँ से फिर वो आया बिब्लिकल रेफरेंसेज में, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में उसका इस्तेमाल हुआ। हिब्रू में उसके लिए दो शब्द चलते हैं, मिशपट और सेडेक। मिशपट जिसको हम करुणा बोलते हैं धर्म के की शब्दावली में, और जो सेडेक है वो जिसको कहते हैं राइट जस्ट उस अर्थ में। ये दो जब न्यू टेस्टामेंट में आता है तो उसके बाद में जो चिंतक हैं, ईसाई चिंतक हैं, उनके यहाँ आता है, सेंट अगस्टीन के यहाँ इस पर विचार किया गया है। और फिर दार्शनिकों की जो परंपरा है, सॉक्रेटिस के यहाँ नहीं मिलता लेकिन बताते हैं कि प्लेटो के यहाँ, अरिस्टोटल के यहाँ, रूसो के यहाँ, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लोग हैं, हॉब्स के यहाँ, लॉक के यहाँ, रूसो के यहाँ, ह्यूम के यहाँ, कार्ल मार्क्स के यहाँ, मिल के यहाँ, और जो अंतिम इसके बड़े प्रवक्ता हैं वो जॉन रॉल्स के यहाँ। ये सोशल जस्टिस जो है वो एक क्या कहें कि एक अवधारणा के रूप में आया है, उसकी चर्चा हुई है। इस टर्म को क्वाइन करने का, बनाने का टर्म यानी पदबंध श्रेय दिया जाता है एक जेजुइट प्रीस्ट थे, ल्यूगी तफरेली, 1848 के आसपास, मतलब जो 1840 का दशक है उसमें ये शब्द बना, तफरेली ने बनाया। और उससे थोड़ा पहले इस अवधारणा को 1792 में दी राइट्स ऑफ मैन लिख करके थॉमस पाइने नाम के विचारक ने एक रास्ता बना दिया था। तो 1792 से ये जो 1848 है वहाँ तक ही आता जिसमें ये शब्द बन चुका है। औद्योगिक क्रांति का जो उत्तरवर्ती काल है उसमें जो अमेरिका के प्रगतिशील विधि विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार हैं, उन्होंने इस शब्द का खूब प्रयोग किया, उसको चलन में ला दिया। 1921 में पैदा हुए थे जॉन रॉल्स, क्योंकि उनका नाम सबसे अधिक लिया जाता है इस संदर्भ में, तो उन्होंने 1958 में एक निबंध लिखा जिससे पूरा बदल गया परिदृश्य न्याय को लेकर के जो विचार चल रहा था। जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय संगत के रूप में न्याय। तो
इस पर बहस शुरू हुई और बाद में ये निबंध एक किताब की शक्ल में आया 1971 में, थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें जॉन रॉल्स ने कई तरह की स्वतंत्रताओं की प्रस्तावना की, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और ये कहा कि ये सारे जो फ्रीडम है, ये सारे जो लिबर्टीज हैं, ये जब विधि का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, तभी सुरक्षित रह सकती हैं, उसकी प्री कंडीशन है, उसके बगैर ये स्वतंत्रताएं बनी नहीं रहेंगी। उन्होंने कई जगह पर कार्ल मार्क्स को उद्धृत किया है, कई लोगों ने कहा कि वो उनके असर में थे, ऐसा बात के समाजवादी चिंतकों ने नहीं माना, क्योंकि जॉन रॉल्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वकालत करते हैं, उसके पैरोकार हैं, और वो मार्क्स को स्वीकार नहीं है, और वो डॉक्टर अम्बेडकर को भी स्वीकार नहीं है। इस मामले में तो राव साहब, कस्बे साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिख करके ये क्लियर कर दिया, जो एक लंबे समय तक एनिमिटी रही है इन दोनों विचारधाराओं में, उसमें तो ये किताब एक मील का पत्थर मैं मानता हूँ, हम हिंदी वाले खास तौर से मानते हैं। तो उसके बाद में अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ने रॉल्स को अपनाया, रॉल्स उनके प्रतिनिधि दार्शनिक हुए, और उसका असर भी पड़ना था। जो जॉन रॉल्स की अगली किताब आई 1996 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसमें जॉन रॉल्स ने ये बात कही, उससे मैं एक चीज पढ़ दे रहा हूँ। अ जस्ट सोसाइटी मस्ट प्रोटेक्ट बेसिक लिबर्टीज इक्वली फॉर ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स नेसेसरी कंडीशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ थॉट तो पहले उसमें आ गया, लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट का क्या मतलब है? जब तक आपको बोलने की आजादी ना हो। महाराष्ट्र में हमने देखा, बोलने की आजादी जिन्होंने एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनका क्या हश्र हुआ। ये इस पर जोर देते हैं कि जब तक बोलने की आजादी नहीं होगी आपके थॉट की, तब तक फ्रीडम ऑफ थॉट का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई, जब ऐसी आजादी होती है तो समाज में विचार भिन्नता होती है। हम दो लोग दो अलग अलग विचारों वाले हो सकते हैं, और दो अपने अपने विचारों पर हम दृढ़ रह सकते हैं, और ये दृढ़ता कई बार दुश्मनी भी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा इसीलिए ये जरूरी है कि टॉलरेंस और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को सामाजिक मूल्य बनाया जाए, सही सुनता और जो पारस्परिक सम्मान है, उसके बगैर ये आजादी नहीं रह सकती, नहीं बनी नहीं रह सकती। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात की इस किताब में कि जब लिबर्टी और इक्वालिटी में टकराव हो तो हम किसका चयन करें। जॉन रॉल्स ने कहा कि हमको चयन करना चाहिए लिबर्टी का। लिबर्टी जो है स्वतंत्रता परम मूल्य है, समानता उसके बाद की चीज है। तो वहां के समाजवादी चिंतकों ने अमेरिका के ही इसका विरोध किया और कहा कि इस तरह की हायरार्की बनाना ये आपको आपके विचार के प्रति संदेह पैदा करता है। जॉन रॉल्स की अंतिम किताब, उनकी मृत्यु हुई 2002 में, वो आई 1999 में आई, द लॉ ऑफ पीपल्स, और उसमें कहा कि सभी समाज न्यायप्रिय नहीं होते। मैं इस मतलब जगह के लिए बहुत उसको सरल करके बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी कोई पॉलिटिकल साइंस का अध्येता नहीं हूँ, साहित्य का अभ्यासक हूँ, लेकिन इसके बगैर हम सामाजिक न्याय पर सोचना शुरू नहीं। जो जो अब तक का चिंतन हुआ है, एक नज़र उस पर डाल लेना जरूरी है।
इसी तर्क से मैं इन बातों को रख रहा हूँ। तो 1999 की किताब दी लॉ ऑफ पीपल्स में कहते हैं कि सभी समाज न्यायप्रिय नहीं होते, इसलिए जो समाज न्यायप्रिय हैं अगर उन्हें जो गैर न्यायप्रिय समाज हैं उनसे खतरा महसूस होता है तो उन्हें प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब प्रतिरक्षा का अधिकार का क्या मतलब है? हमला होगा तो वो बचाव करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। यहां तक तो बात ठीक थी। वो ये भी कहते हैं आगे चल करके उसी किताब में कि इस तरह की हिंसा जो है वो तभी मान्य है जब उसका मकसद चिरस्थायी शांति की स्थापना हो और न्याय की स्थापना हो, तभी तभी ये हिंसा मान्य है। और ये भी कि जब आप जीत लें उस अन्यायप्रिय समाज को जो न्याय की परवाह नहीं करता, तो ये चाहिए कि आप क्योंकि न्यायप्रिय समाज हैं तो वहां के लोगों को गुलाम न बनाएं, वहां के लोगों के की जो की बेसिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखें। उन्होंने जो उसमें सबसे दिक्कत तलब बात कही वो यह है कि आप अगर न्यायप्रिय समाज हैं, दूसरा न्यायप्रिय समाज है, उस पर संकट होता है, तो आप जो 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 संकट पैदा करने वाला देश या समाज है उस पर हमला कर सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जब हमला करें तो जो सैनिक इलाके हैं वही हमला करना चाहिए, और आखिरी तक आते आते कहते हैं कि नहीं, नागरिक इलाकों पर भी हमला कर सकते हैं। ये जो अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को वैधता देने का काम दार्शनिक कर रहा है वो बहुत दिक्कत तलब बात है। बहुत प्रबल ये प्रस्तावना थी उनकी जो अंतिम किताब में आती है कि वो नागरिक क्षेत्रों पर भी हमला कर सकता है, तो क्योंकि इससे न्याय की रक्षा होती है। हम जानते हैं कि तमाम देशों में अफगानिस्तान बगल का इलाका है, न्याय की रक्षा के लिए क्या तबाही मची है। तो ये नाम चॉम्स्की को इसमें याद करना चाहिए कि सत्ता उनका इस्तेमाल नहीं कर पाई। यूनाइटेड नेशंस के कहें कि दस्तावेजों में सामाजिक न्याय का प्रवेश होता है 1960 के बाद। 1969 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ये एक दस्तावेज मंजूर किया, और इस पर बहुत स्पष्टता नहीं थी, लेकिन 2006 में उन्होंने फिर से इसको एक रिपोर्ट की शक्ल में इसको इस मुद्दे को उठाया सोशल जस्टिस को, और जो 2006 वाला उनका दस्तावेज है यूएन का उसमें उसका शीर्षक है एन ओपन वर्ल्ड सोशल जस्टिस इन एन ओपन वर्ल्ड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें कहा कि संसाधनों के पुनर्वितरण के बगैर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मीन्स ऑफ लिविंग है, अगर आप उनके उनका पुनर्वितरण नहीं करते रहेंगे तो सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा तो इस देश का, समाज का, किसी भी देश का, समाज का भविष्य अंधकारमय है, वो हिंसक होगा, वो क्योटिक होगा। ये बहुत साफ तौर पर कहा, और ये भी कहा कि ये जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये यूएन के की बहस में, यूएन के सरोकारों में सोवियत रूस के, जो कम्युनिस्ट रूस है उसका, सोवियत संघ के दबाव में आया था। सोवियत संघ ने प्रस्ताव दिया था कि सोशल जस्टिस को अपनी शामिल कीजिए, और तमाम विकासशील देशों ने इसका समर्थन किया था, तो फिर यूएन ने इस कॉन्सेप्ट को, इस इशू को शामिल किया था। तो सोशल जस्टिस वाला मुद्दा, ये जो स्वीकारोक्ति है यूएन की, वो बहुत कहे कि काबिले गौर है, ध्यान देने लायक है कि ये सोवियत संघ की देन है कि ये मुद्दा हमारे इसमें आ गया। क्यों कहा गया इस पर विचार करें। जो अंतिम इस दस्तावेज में बात कहते हैं कि
जो आर्थिक विकास हुआ है उस आर्थिक विकास के लाभ अगर समाज के सभी तबकों को नहीं मिलते तो सोशल जस्टिस संभव नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रियम्बल है, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी मजदूर आंदोलन हुए हैं दुनिया भर में, सोशल जस्टिस का मुद्दा वही आया। काम के घंटे तय कीजिए, मजदूरों के अधिकार तय कीजिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दीजिए, उनको उनके उनको अवकाश संबंधी उनके नियम तय कीजिए, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, ये लेबर मूवमेंट की देन है सोशल जस्टिस वाला मुद्दा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जब तक यूनिवर्सल और लास्टिंग पीस, सार्वभौमिक और चिरस्थायी शांति का मकसद नहीं अपनाया जाएगा, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक सोशल जस्टिस की स्थापना हो नहीं सकती। तमाम तरह की चीजों में सोशल जस्टिस आया लिबरेशन थियोलॉजी में भी। जो ईसाई धर्म के चिंतक थे, उन्होंने गरीबों की निगाह से, गरीबों का की जो पीड़ा है, गरीबों का जो आंदोलन है और गरीबों की जो उम्मीद है, पीड़ा, आंदोलन, उम्मीद, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में जब ईसाई धर्म की व्याख्या की तो उससे ये लिबरेशन थियोलॉजी पैदा होती है। और ये सोशल जस्टिस के की दिशा में एक कदम है कि धर्म तंत्र किस तरह से अपने को वाइडन करते हैं, खुला रखते हैं, किस तरह से ये नए नए इश्यूज को शामिल कर सकते हैं। उधर तो ये हो रहा था, हमारे यहाँ हिंदुत्व में क्या हो रहा था वो हम सब समझ सकते हैं। जो सोशल जस्टिस का बिल्कुल नवीनतम पड़ाव है वो दिखाई पड़ता है बायोएथिक्स के मूवमेंट में। जो बायोएथिक्स का आंदोलन है उसका संबंध, उसका जोर जो है, उसका एम्फेसिस मुख्यतः स्वास्थ्य सेवाओं पर है कि जो स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जो अमानवीय जीवन स्थितियों में रहने वाले लोग हैं, उनमें फैलती है बीमारियां संक्रामक होती हैं। ये बीमारियां इस सामाजिक अन्याय की देन है। इसी तरह से जो शिक्षा और आर्थिक मामलों में लोगों को डिप्राइव किया जाता है, यह भी सामाजिक अन्याय का मामला है। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सबको सुलभ कराई जाएं, जब बुनियादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले और जब जीवन यापन की के साधन सबको मुहैया। ये तीन चीजें इसमें जो सबसे अरंगा पैदा किया वो जिसको हम कहते हैं लिबरल और कंजर्वेटिव थिंकर्स ने यूरोप के सोशल जस्टिस को लेकर, उन्होंने कहा कि इसमें दो दोष हैं, या तो ये अतिव्याप्त दोष है। सोशल जस्टिस जो अवधारणा है इसमें सब कुछ शामिल है, उसको बोलते हैं अतिव्याप्त दोष, और या फिर ये अव्याप्त दोष है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये अवधारणा किसी काम की नहीं है, इससे छुट्टी पा लेनी चाहिए। सोशल जस्टिस क्या है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, बहुत अमूर्त सा मामला है, मीनिंगलेस है। ये 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 दुनिया भर के जो राइट विंग थिंकर्स हैं ये उनका जोर है, यूरोप के खासतौर से। भारत में जो अम्बेडकरी आंदोलन हुआ उसका तो मुख्य जोर इस सामाजिक अन्याय से लड़ना है। सामाजिक अन्याय से संघर्ष ये अंबेडकरी आंदोलन का कोर इशू है, केंद्रीय सरोकार। लेकिन अंबेडकरी आंदोलन के कई पड़ाव हैं, उनके जीवन काल में जो उन्होंने आंदोलन किए, महार सत्याग्रह सबसे कहें कि शिखर पर हमको दिखाई पड़ता है कि
जो बुनियादी संसाधन है, सड़क है, पानी है, वहां तक हमारी पहुंच होगी कि नहीं होगी। सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है शुरू यहीं से होता है कि जो समाज के संसाधन हैं उन तक सामान्य लोगों की पहुंच होगी कि नहीं होगी। हम जानते हैं कि उनके जमाने तक और बाद तक भी अभी भी कुएं पर कोई चला जाता है और उसकी पिटाई होती है। लेकिन ये लड़ाई छेड़ी कि जो जो प्राकृतिक स्रोत हैं, हवा है, जल है, जमीन है, इन तक हमारी पहुंच होगी कि नहीं होगी। सामाजिक न्याय के का ये क्या कहें कि ये व्यवहारिक प्रियम्बल। तो उनके जीवन का जो आंदोलन है, बाबा साहब ने जो खुद ये संघर्ष छेड़ा, उनके परिनिर्वाण के बाद 56 से लेकर के 71-72 तक आप देखिए उनके जो अनुयायी हैं, दास साहब गायकवाड़ को पीछे कर दिया गया है, पता नहीं कहां धकेल दिया गया है। आरपीआई के नेताओं ने जिस संकल्पना के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ शुरू किया था उनके सपनों को साकार करने का, और यह भी था कि हम जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वहां जज नहीं होंगे, वहां शामिल नहीं होंगे, और हुआ क्या? जो क्षोभ है 1972-73 तक अंबेडकरी युवाओं में, जिसको हम आमतौर से नई पीढ़ी के दलित युवा कहते हैं, 18 से 25 साल के भीतर वो क्षोभ जो है उन्हें एक नए संगठन के निर्माण का की तरफ ले जाता है, जिसको हम दलित पैंथर कहते हैं। लगता है पूरा देश दलित पैंथर के की बाट जो हो रहा था बनता है। महाराष्ट्र में 1973 में उसका घोषणा पत्र आता है, उसके तुरंत बाद गुजरात में, कर्नाटक में भीमसेना पहले से थी लेकिन तुरंत बनता है डीएसएस, दलित संघर्ष समिति पैंथर के तर्ज पर, और पूरे देश में जहां जहां भी जाति व्यवस्था है और लगभग सब जगह पर है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो वो दलित पैंथर की क्या कहें कि वो जो अग्नि है, वो जो लपट है पहुंचती है सारे देश के युवा इसमें दोनों तरह का। ये जो हिंदूवाद है ये नए सिरे से हमला कर रहा था। दूसरा जो भीतर के लोग थे जिन्होंने ठगी की थी, जो धोखेबाजी की थी, इन दोनों के प्रति गुस्सा है। 18 से 25 साल के ये जो युवा हैं पैंथर वाले वो क्षुब्ध हैं, वो गुस्से में हैं, और उनका गुस्सा इन दोनों तरह की चीजों को लेकर के है। एक को हम अक्सर भुला देते हैं क्योंकि बात का जो विकास हुआ है उसमें ये भी पैंथर का आंदोलन भी बहुत पवित्र मान लिया गया कि इस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ये मुझे लगता है कि विचारशीलता के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होती। तो ये एक चीज होती है। अम्बेडकर आने मार्क्स में एक बात लिखी राव साहब कस्बे ने कि बाकी लोग तो चले गए पैंथर वाले यहाँ वहाँ, लेकिन रामदास अठावले नहीं जाएंगे क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं पिछले साल उनके घर गया था ये पूछने के लिए कि आपने जो कहा, बोले मैं उसे डिसोन करता हूँ जो मैंने लिखा है, अब उसको नहीं मानता, वो गलती थी। हुआ क्या कि 73 से लेकर के और 90 तक का ये जो ओजस्वी आंदोलन है, इस बीच में सत्ता काम कर रही है, सत्ता को इस आंदोलन की ऊर्जा सोखनी है, एक एक करके लोग अपने उसमें खींचे जा रहे हैं अपनी भट्टी में, इसमें लाइए, इसमें गला दीजिए, इसमें लाइए गला दीजिए। ये जो हिंदुत्व की भट्टी है ये कई तरह से कई रूप में काम करती है, कई जगहों पर जलती दिखाई पड़ती है, कई जगहों पर लगता है कि वो बर्फ है, मतलब दोनों तरह के एक्सट्रीम उसमें दिखाई पड़ते हैं। और आप जानते हैं कि ढेर सारे राम चले गए राम के साथ। लेकिन फिर से चूंकि बड़ी श्रद्धा थी पैंथर को लेकर के और उसके बाद उनकी उनके नेताओं को लेकर के, तो एक तरह की खामोशी बढ़ती गई, नहीं 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 बोला गया उस पर। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी आई
मुख्यमंत्री बनी एक ऐतिहासिक क्षण था, हम सब लोगों के लिए गदगद थे, थोड़ा थोड़ी कसक भी थी कि किसके समर्थन से आई है। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देख रहे थे हिंदुत्व वाले, हम बहुत शॉर्ट टर्म उसमें गदगद हो गए थे। 90 के बाद एक नया दौर शुरू होता है और इसमें बहुत से लोग फंसे हैं। राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का जो राष्ट्रीय उपक्रम है, क्या कहें कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत सरकार की संस्थाएं हैं, वो जा रही हैं निजी हाथों में। और हमारे बहुत सारे विचारक ये मांग करने लगे हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। इससे क्या संदेश क्या निकलता है कि हम इस प्राइवेटाइजेशन को वैधता देते हैं लेकिन इसमें हमको जगह चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, अच्छा होगा, क्योंकि यहां के जो बनिया हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा हमारे सम्माननीय शरण कुमार लिम्बाले ने कहा। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने कहा वो दिक्कत तलब वाली बात, वो मुश्किल पैदा करती है। उन्होंने कहा कि हम वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे, हम उसमें खुश रहेंगे। अब मुझे नहीं मालूम है कि ये 2005-06 का मामला है, अभी उस पर वो स्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन वॉलमार्ट के आने की जो कालीन बिछ रही थी उसमें किनका हाथ है ये देखा जाना चाहिए, इसकी स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए। तो ये जो निजी क्षेत्र में आरक्षण है, एक एक करके आपकी सारी चीजें जा रही हैं और आप खामोश हैं। हम खामोश हैं, जो बोल रहे हैं वो हंसी के पात्र बन रहे हैं। अब जानते हैं कि सरकार के का जो पुराना रूप है, जब ये हुआ कि रिटेल सेक्टर में FDI आएगी तो सबसे ज्यादा विरोध किया कि हमको जरूरत नहीं है रिटेल सेक्टर में 100% FDI की, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत नहीं। वो हुआ, आते ही सबसे पहले काम क्या किया कि किसानों से उनकी जमीन उनकी अनुमति के बगैर, किसानों के या ग्राम पंचायतों के अनुमति के बगैर ली जाएगी। ये पहले राज्यसभा में तो था नहीं बहुमत, पास करा नहीं पाए तो अध्यादेश जारी किया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि नहीं जी जो उड़ीसा के आदिवासी झगड़ा कर रहे हैं उनका ग्राम, उनकी ग्राम सभा की क्या मतलब इसमें बोलने का, सरकार की जमीन सरकार ले लेगी। जगह जगह पर की मतलब एक बार अध्यादेश 6 महीने के बाद में नहीं पास हुआ, पास होना नहीं था, फिर से अध्यादेश लगा। ये जो उतावली है ये कुछ संकेत देती है कि सरकार किसके निर्देश पर चलती है, चल रही है। और बहुत अच्छे से मेधा जी ने इसकी तरफ इशारा कर दिया है, बता दिया है। अभी जो सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे, उसमें 100% FDI हो चुकी है, 100%। और अभी नहीं, अभी दिखाई नहीं पड़ रही है चीजें, अभी तो फ्लेक्सी फेयर है। मुझे बंबई जाना था, घर में देखा इंटरनेट कॉल करके कि 1500 रुपये किराया है 3rd AC का, और जब पहुंचा काउंटर पर, हमारे घर से 1.25 घंटे लगते हैं रेलवे काउंटर तक पहुंचने के लिए, तब तक वो 2800 रुपये हो चुका था। 1.25 घंटे में 2800 रुपये, 1500 से 2800 रुपये। और जब मैंने झगड़ा किया, सुपरवाइजर के पास गया जो देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी देर और रुक जाएंगे तो 3700 रुपये कल बिका था। ये जो मतलब एक आम जनता का जो साधन था, हालांकि मैंने कहा था राजधानी का, आम जनता का नहीं है, ये जो आम जनता का साधन है रेलवे, मेरा जिला गोंडा पड़ता है अयोध्या के पास से, वहां का टिकट 800 रुपये था 3rd AC का, अभी 1600 रुपये है। 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था, अभी 10 रुपये है।
गनीमत है कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का टिकट DTC का है। अगर सरकार बन गई होती, कुछ तो जादू है, मुझे नहीं मालूम है, नोटबंदी के बाद भी लोगों का मोहभंग नहीं हुआ ठीक से, मुझे नहीं मालूम है कि इस रेलवे के दुर्गति के बाद लोगों का मोहभंग, कुछ तो जादू है। मुझे लगता है इस सम्मोहन को, इस हिप्नोटिज्म को समझने की जरूरत है। क्या मैं अपने गांव जाता हूं, वहां से हमारे इलाके से सांसद जीता है, भाजपा का जीता है, पूछता हूं कि क्या आपने योगी को सोच करके दिया था? नहीं नहीं, हमने मोदी को, तो मोदी बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, बने? नहीं नहीं, वो नहीं बने। मतलब 3 मुख्यमंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के, तीनों बिना चुने हुए आए, 2 मुख्यमंत्री 1 मुख्यमंत्री, तीनों का चुनाव नहीं हुआ है। जनता ने जिनको चुना वो क्या? तो जनता का ऐसा अनादर और जनता का उनके प्रति ऐसा आदर, मैं कह रहा हूं कि ये पहेली है, इस नई शताब्दी की सबसे बड़ी पहेली। वो कौन सी गुत्थी है, वो कौन सा सम्मोहन है जिसके चलते ऐसा हो रहा है? इस मामले में तमिल के अंबेडकरवादियों ने तमिलनाडु के एक पहल की, एक बड़ी कहें कि साहसपूर्ण पहल की। उन्होंने कहा कि जो गुरु किल्ली पर, मास्टर की पर की पॉलिटिकल पावर हथिया लेंगे तो सब बदल जाएगा, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम सत्ता का की सर्वोच्च कुर्सी ना लें, उस कुर्सी को ही नष्ट करने की कोशिश करें। ये मैं कहें कि जिसमें राज गौतम वहाँ के बड़े दार्शनिक हैं, अंबेडकरवादी दार्शनिक हैं, दलित दार्शनिक हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु के, उन्होंने इसमें पहल की, जिसकी तरफ मुझे लगता है कि एक जमाने में संत रविदास और कबीरदास के यहाँ विचार हो चुका है, सत्ता रहे ही ना, सत्ता पर हम कब्जा कर लें, इससे बेहतर है सत्ता। ये संतों ने 600 साल में ये हासिल किया था, जो अभी 60 साल के बाद में तमिलनाडु के अम्बेडकरवादी इसको इस पर आकर के चिकी। पर्ची मेरे पास आ गई है, मैं इसको और नहीं करूंगा लंबा, लेकिन मुझको लगता है कि 90 के बाद जो नया मध्य वर्ग आया, जो अपने को अंबेडकरवादी कहता है, हमने उस मध्य वर्ग के अवसरवाद पर ध्यान नहीं दिया, ये फिर से एक चूक हुई। वो मध्य वर्ग कहाँ जाता है, क्या करता है, 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को तो दिखाई पड़ जाता है, उसके बाद में कहाँ है? ये एक चीज है, इस नए मध्य मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है, मतलब जिसको दलित मध्य वर्ग कहते हैं वो कितना है? बहुत बहुत कम, बहुत कम, जिनको आरक्षण के बदौलत जगह मिल गई स्कूल में, कॉलेज में, क्लर्क के रूप में, अधिकारी के रूप में, बहुत बहुत कम लोग हैं। लेकिन फिर से ये आगरा में जब गए थे बाबा साहब अम्बेडकर अंतिम दिनों की बात, उन्होंने कहा था कि इन अधिकारियों ने, हमारे समाज के अधिकारियों ने बहुत अच्छा नहीं किया है, वो बहुत कड़ी बात कही थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, इशारा कर रहा। तो ये पुनः ये एक ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात ये भी है कि ये सारा आयोजन कल्ट में ना बदले। जब बदलता है कल्ट में, एक जमाना था, मैं पुराने जमाने में जरा सा ले जाऊंगा, जो धम्म का के तीन प्रतिज्ञाएं थी, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। 7th century के आसपास जब तिब्बत गया और चीन की तरफ गया, तो उन लोगों ने कहा कि चौथी संकल्पना भी हो सकती है, गुरुम शरणम गच्छामि। तो 4 प्रतिज्ञाएं हो गई और 100 साल नहीं बीता, ये प्रस्ताव हुआ कि गुरु में धम्म भी है, बुद्ध भी है और संघ भी है, तो तीनों 4 क्यों कहते हैं, एक है, गुरुम शरणम गच्छामि। और उसके बाद में जानते हैं क्या हुआ, कि वो बौद्ध धम्म जो है वो बदल गया तंत्रयान में। फुले अंबेडकर जब कहते हैं तो इसमें कल्ट नहीं बन सकता। फुले अंबेडकर मास कहते हैं, कामरेड शरद पाटिल ने इस मामले में एक पुरोगामी भूमिका अदा की, तो वो कल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जब जब ये एक कलेक्टिव वॉयस होगी, हमारे हीरोज इकट्ठा कई होंगे, तो फिर वो कल्ट नहीं बन पाएगा। अन्याय का संबंध सामाजिक न्याय से है, और भारतीय साहित्य में, मैं ये अंतिम बात कह रहा हूँ, भारतीय साहित्य में
दो कृतियां इस मुद्दे को लेकर के सन 2000 साल के पहले लिखी गई। एक तो तमिल में है शिलपदिकारम, तमिल का पहला महाकाव्य, और दूसरा संस्कृत में है मृच्छकटिकम। अब जानते हैं मालूम, किसी को सपना आया कि अखलाक के घर के फ्रिज में गाय का मांस है, और आप जानते हैं हमला हुआ, उसको मार डाला गया। ये न्याय की जो प्रक्रिया है उससे गुजारे बिना जब ये भीड़ अपने हाथ में, और भीड़ वो नहीं जो सत्ता कामी भीड़ है, अपने हाथ में ले लेती है न्याय का मामला, तो उसका परिणाम क्या होता है। उसके बाद में पहलू खान दूध का व्यापारी अलवर का गाय खरीद कर लौट रहा था, उसके पास उसकी पर्चियां थी, सब कुछ वैध है, और कहा कि नहीं ये गाय जो है वो मांस के लिए, मार डाला उसको, 5 साल का उसका बच्चा। अभी परसों नरसों दिल्ली से 3 लोग जा रहे थे बल्लभगढ़ को, उसमें से एक जुनैद नाम का 15 साल का बच्चा था, उसको मार दिया, जान से मार दिया। ये जो मतलब हिंसा की धारा चल निकली है, इस पर कब लगाम लगेगी। लोहिया ने कहा था कि जीवित कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये कौन कहेगा। मृच्छकटिक की बात आप याद कीजिए, मृच्छकटिक में उस समय की न्यायपालिका का वर्णन है। जो मृच्छकटिक में की कहानी है उसमें राजा जो है वो मदांध है, सत्ता के नशे में चूर है, शासन उसका साला करता है, जिसको जिसको नाटककार ने शकार कहा है, उसको अपना ज्ञान बहुत बघारने का बड़ा शौक है। एक वसंत सेना नाम की लड़की है, जो जो कहे नृत्यांगना है, प्रेयसी भी है चारदत्त की, उसको मार देता है, हालांकि जान से नहीं, मतलब जान से मारा है लेकिन मरी नहीं है, और लग जाता है आरोप कि इसे मारा इसके प्रेमी चारदत्त ने। अब चूंकि सरकार का साला कह रहा है, राष्ट्रीय साला लिखा गया है उसमें नाटक में, तो इसलिए न्यायाधीश जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन उनको चारदत्त को फांसी की सजा देनी है। जो वर्णन है सन 2000 साल पहले, वर्णन जो है न्यायालय का, कचहरी का, जिसको तब बोलते थे राजकरण, इस राजकरण का वर्णन लगता है आज का वर्णन है। मैं उस श्लोक को सिर्फ यहां पर दोहरा दे रहा हूं, परंपरा का जो उज्ज्वल पक्ष है उसके लिए। चिंता सक्त निमग्न मंत्र सलिलम दूतोर मिशंखाकुलम पर्यंत स्थित चारण त्रम करम नागाश हिंसाश्रयम नाना वासक कंक पक्षी रुचिरम कायस्थ सर्पास्पदम नीतिक्षुण ततम चराज करणम हिंस्रई समुद्रायते। क्या मतलब है, ये जो कचहरी है, जो अदालत है, ये हिंसा का समुद्र, रूपक अलंकार है बोलते हैं साहित्य वाले, हिंसा का समुद्र दिखाई पड़ रही है। समुद्र में जो जो चीजें होती हैं वो यहां पर भी हैं, इस हिंसा के समुद्र में, कचहरी में। कि ये जो मंत्री हैं यानी सलाह देने वाले, यानी कि जो वकील हैं, वो पानी है यहां पर, इतने सारे वकील भरे हुए हैं कचहरी में, अदालत में। ये जो अर्दली हैं, ये जो वो पानी के किनारे रहने वाले बगुले हैं, तरह तरह के वेश में, और खास तौर से उनका सफेद पोश वेश होता है। आप जाइए, लगेगा कि साधु बैठा हुआ है, और उसके बाद में आप निकल लिए गए। ये जो पटवारी लोग हैं, कायस्थ हैं, ये तो नाग हैं, जिनके जिनके काटे का कोई कहें कि औषधि नहीं है। ये जो न्यायालय है उसका तट नीति से टूटा हुआ है। नीतिक्षुण तटम च राजकरणम, नीति से भाई नीति नहीं होगी, नियम कानून नहीं होंगे तो न्याय कहां से होगा। तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ लाइए और न्यायाधीश कह देगा, क्योंकि उसको अभी वो हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में,
और उसके बगैर तो हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि इसके पहले किस तरह से कोशिश हुई कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई योगदान नहीं होता, भूमिका वो हम नहीं मानेंगे, हमारी भूमिका होनी चाहिए। तो वो जो होता है कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद में बना देंगे राज्यपाल। नीतिक क्षुण कथम राजकारणम हिंसई, ये जो कचहरी है इसका संबंध नीति से, नियम कानून से टूट चुका है, इसलिए वो हिंसा का समुद्र हो गई। होता क्या है, ये नाटककार इस मामले में बहुत क्रांतिकारी भूमिका अदा करता है कि सारद्वत्त को ले जाया जा रहा है फांसी के तख्ते तक, जहां पर गड़ा हुआ है वो खंभा, और उसी वक्त डिप्लो होता है, जहां पर लटकाया जाना था चारदत्त को वहां पर राजा को लटकाते हैं। राजा लटका हुआ है, उसके बाद में वो जाते हैं और राजा मतलब झूल रहा है। एक युवाओं का एक दल है जिसका नेता है गोपाल दारक, गोपाल दारक आज की भाषा में जिसको आप यादव कहते हैं, उसके नेतृत्व में गोपाल दारक से डरा हुआ था, उसको जेल में बंद कर दिया था राजा ने, क्योंकि वो प्रसन्न रहता था और राज्य में कोई प्रसन्न रहे तो राजा के लिए सबसे बड़ा संकट होता है, किसी को किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आनी चाहिए, सब तरस रहे हैं। आप खुशी मनाए जाकर जापान में कि देखिए हमने कल ही नोटबंदी लागू की, काले जाकर हंसे, जनता 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 तरस रहे। ये जो राजा नाटककार ये कहता है कि इसमें राज विप्लव ही एकमात्र तरीका है। शिलपदिकारम का जो लेखक है इलंगो अडिहल, वो जैन महामुनि है, जैन धर्म में तो हिंसा की स्वीकृति नहीं है, मच्छर भी नहीं आप मार सकते, और वहां पर भी राजा की हत्या होती है, क्योंकि जो उसका नायक है उस महाकाव्य का शिलपदिकारम का कोवलन निरपराध उसको मारा गया। हुआ क्या कि रानी की रानी का जो नूपुर है पायल है वो गायब हो गया था, सुनार जो राजा का सुनार उसने बेच दिया था, वो खा गया था, क्या हुआ था, ये दूसरे राज्य से आया था, मदुरई का मामला है, फिर से मतलब संगम साहित्य है, ये 2000 साल पुराना है, नया नहीं कह रहा हूं कि आज का देखकर कोई लिख रहा है, कोई पुरोगामी साहित्यकार ये, और वो देखा सुनार ने कि ये तो पायल रानी के पायल से मिलता है, तो तुरंत पीछे से बुला लिया राजा के सिपाहियों को, दरबार के सिपाहियों को, कि यही है जिसने, जाना कि ये तो प्रदेश से आया हुआ आदमी है, कुछ कर तो पाएगा नहीं, और तुरंत आनन फानन में लटका दिया फांसी पर सिपाहियों ने। कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो प्रोसेस नहीं हुआ कि तय किया जाए कि हाँ पायल किसका था किसका नहीं था। उसके बाद में जो उसकी पत्नी है कर्णही, वो पहुंचती है दरबार में, जो महाकाव्य है उसका उसका अपना ढर्रा होता है, वो बहुत सीधा सीधा नहीं कहता, लेकिन लोगों को लेकर गई, विप्लव होता है, राजा मारा जाता है, वहां की जो देवी है मदुरई की वो शांत करती किस तरह से इस सिविल वार को, किसी निरपराध को मारा जाएगा तो राजा की हत्या होगी, राजा को ये 2000 साल पहले के भारतीय साहित्यकारों ने इस शब्द किया हुआ है। मध्यकाल के जो सबसे क्या कहे कि अप्रगतिशील कवि हैं तुलसीदास, वो उनके यहां इसका इसकी अनुगुण मिलती है, उनका उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है ऐसे राजा को नरक भेजना चाहिए। अब राजा खुद तो जाएगा नहीं नरक में, भेजना पड़ता है ना। तो मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि ये जो एक तरह की खामोशी है, इस खामोशी को न्याय की पुनर्स्थापना के लिए भीतर भीतर चल रही तैयारी के रूप में पढ़ा जाए। मुझको लगता है कि हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, सामाजिक न्याय केंद्रीय मुद्दा है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं जिग्नेश मेवाणी का, ऊना में जब हुआ अभी उसके एक साल उसके उस घटना को हो गए, तो मेवाणी ने मांग की कि हर दलित परिवार को 5 बीघा जमीन दिया जाना चाहिए, मिलनी चाहिए। ये जो नया मध्य वर्ग है उसने कहा कि हमारा इशू तो
सेल्फ रेस्पेक्ट का है, डिग्निटी डिग्निटी का है। जमीन का मुद्दा कहां से आता है? ये जमीन नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे खड़े होने के, तो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या आसमान से टपकेगा? नहीं आ सकता सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये जो संसाधनों पर अभी तक पूरे देश में बुनियादी संसाधनों का बंटवारा नहीं हुआ है, सबसे अधिक भूमिहीन दलित ही हैं, जिनका जिनके पास जमीन थी लेकिन कागज नहीं था, आदिवासी किस तरह से उनको मतलब नष्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और विस्थापन के बाद में कहीं पुनर्वास नहीं है। उसको लगता है इसकी स्थापना होनी चाहिए। हिंदी में सन 2000 के बाद जो पीढ़ी आई दलित लेखन में, अम्बेडकरवादी लेखन में, वो भरोसा दिलाती है, और वो है दलित स्त्रीवाद। दलित स्त्रीवाद में उत्पीड़न के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो जेंडर वाला उत्पीड़न हो, चाहे वो क्लास वाला, आर्थिक शोषण वाला मामला हो, और चाहे वो जाति वाला है, इन तीनों चारों चीजों का एक समावेश है। वैश्वीकरण को लेकर के एक स्पष्ट नीति है कि वैश्वीकरण हमको नहीं चाहिए, एक ग्लोबलाइजेशन हमको नहीं चाहिए। ये जो बुनियादी मुद्दों पर सन 2000 के बाद हिंदी में इस समय सबसे अधिक हिंदी की दलित स्त्रियां लिख रही हैं संख्या में, और बहुत बहुत अपनी वैचारिकी में बहुत पुख्ता हैं, बहुत मजबूत हैं, और उन्होंने ना अपना संबंध जोड़ा है पैंथर से, ना अपना संबंध जोड़ा आरपीआई से, सीधा जोड़ा है फुले अम्बेडकर से। सावित्री बाई फुले उनकी हीरोइन है। तो ऐसे में मुझे लगता है उम्मीद बनती है कि अम्बेडकरी आंदोलन जहां पर पहुंचा है वो बड़ा उज्ज्वल पक्ष है। सभी संघर्षशील एक्टिविस्ट राइटर्स हैं, और मुझे लगता है कि एक एक साझा मंच बना है उस शुक्रिया तिवारी सर। खरतर तिवारी सरांना खूप बोलायचं होतं, परंतु काही वेळेच्या काही मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे थोडंसं त्यांना वाइंड अप करावं लागलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो। यानंतर एक सत्र आपण लगेच घेणार आहोत, पद्मश्री कुमार केतकर सर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत। राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाची संकल्पना हा त्यांच्या विवेचनाचा विषय आहे। मी डॉक्टर सुरेश सावंत सरांना या सत्राची सूत्र देतो, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं आणि सूत्रे हाती घ्यावी। Thank you.